तो लीजिए, आज सातवें दिन का ये पहला मुकाबला बीकेएन ट्रिपल एस और शिवराय क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला, और इस मैच के अंपायर दोनों आशीष बाबू टोटे और हेमंत बाबू देवबंसी, दोनों ही इस टीम के अंपायर। आज के मैच के पहले दिन का टॉस शिवराय के पिंटू गावंडे टीम के कप्तान, उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। नॉन स्ट्राइक पर प्रेम घोले और स्ट्राइक पर गणेश मड़ावी, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर। मैच बस कुछ ही लम्हों में स्टंप दुरुस्त होने के बाद में मैच शुरू होगा और गेंदबाजी का भार संभाले हुए शुभम शुभम जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। शुभम शुभम हाँ शुभम शुभम गेंद फेंकेंगे गणेश मड़ावी को। गणेश मड़ावी जो कि बहुत ही बीकेएन ट्रिपल एस के कप्तान और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर गणेश मड़ावी। शुभम अपने इस आज के दिन के मैच का पहला गेंद लेकर, शुभम हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे गणेश मड़ावी को। गणेश मड़ावी खेलने के लिए तैयार, गणेश मड़ावी सामना करेंगे शुभम की गेंद का। शुभम हल्के हल्के कदम दौड़ते हुए आ रहे अंपायर को पार किया, आए पटकी हुई गेंद थी उसको उछाल कर खेला गणेश मड़ावी ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की जानी जाती, उसके पीछे बिल्डर दौड़ रहे एक टप्पा और दूसरे टप्पे से गेंद बाहर बाउंड्री के बाहर। अब गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन, बहुत ही करारा चौका वहां पर गणेश मड़ावी का। जैसी पटकी हुई गेंद देखा शुभम की उसको मिड विकेट के ऊपर से उछाल कर खेल दिया और गेंद बाउंड्री पार करके चार रनों के लिए, बहुत ही करारा चौका वहां पर गणेश मड़ावी का। पहली गेंद से उन्होंने मूड बनाए रखा, जहराना मूड बनाए हुए है गणेश मड़ावी। शुभम शुभम इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे गणेश मड़ावी को। गणेश मड़ावी खेलने के लिए तैयार, गणेश मड़ावी अच्छी गेंद उसको खेल दिया कवर के ऊपर से, वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा लेना चाहते थे मना किया वहां पर प्रेम घोड़े ने, अच्छी समझदारी का काम किया, नुकसान हो सकता था रोक दिया वहां पर। गणेश मड़ावी लेने के लिए तैयार थे लेकिन वहां पर प्रेम घोड़े देख रहे थे गेंद को, जैसी गेंद फील्डर के हाथ में थ्रो कर दिया तो मना कर दिया वहां पर। फिर एक बार शुभम इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे अब प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार, प्रेम घोड़े सामना करेंगे अब आशीष की गेंद शुभम की गेंद का हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए जब तक एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए फील्डर दौड़ कर आते। आरिफ एक रन लेने में कामयाब हो गए, अच्छी फील्डिंग वहां पर आरिफ भाई की, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया आरिफ भाई ने। शुभम इस ओवर में अगली मरतबा आप गेंद फेंकेंगे खूंखार बल्लेबाज गणेश मड़ावी को। गणेश मड़ावी जो कि बहुत ही जहराना मूड में दिखते हुए आज अजीब ही इरादे से आए हुए है गणेश मड़ावी और सामना करेंगे शुभम की गेंद का। शुभम हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए आ रहे अंपायर को पार किया, आए ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद वहां पर सीधी विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद आरिफ भाई का नहीं दिया, आरिफ भाई से होती हुई वापस शुभम कर ली। शुभम इस दौर में अगली मरतबा
गेंद पिकिंग गणेश मड़ावी को, गणेश मड़ावी जो कि जहराना मोड़ में आज दिखते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गए और वैसी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर नीचे रही और सीधी विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर से होती वापस गेंद शिवम करने, शिवम वापस अपनी बॉलिंग मार्क पर, शिवम हैदराबाद हावे रोड एन से राइट आम ओवर द विकेट, गेंद पिकिंग गणेश मड़ावी को, गणेश मड़ावी खेलने के लिए तैयार, गणेश मड़ावी उसको खेल दिया वहां पर कवर के ऊपर से उछाल कर, वहां पर फील्डर मौजूद और ये आउट, गणेश मड़ावी आउट, वहां पर खड़े हुए थे डीप कवर पर और कोई गलती नहीं की, साहिल वहां पर चट्टान की तरफ डटे हुए थे, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया, ये पहला झटका बीकेएन ट्रिपल एस को टीम के कप्तान मड़ावी के रूप में, मड़ावी आउट होकर, गणेश मड़ावी आउट होकर वापस पवेलियन, एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर, आखिरी गेंद पर विकेट ली बहुत ही बेहतरीन, अब नए बल्लेबाज अन्ना जी यानी साहिरे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और उनकी एक खासियत कि वो कभी जूता पहनकर क्रिकेट नहीं खेलते, निशान साहिरे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, निशान साहिरे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, क्रीज पर आते हुए यवतमाल के नामचीन बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार, निशान साहिरे उर्फ अन्ना जी के नाम से उन्हें जाना जाता है, अन्ना जी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, अन्ना जी जो कि बहुत ही खतरनाक और कुकार बल्लेबाज, अब दूसरा ओवर लेकर और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर परनीत आड़े गेंद फेंकेंगे अन्ना जी को, अन्ना जी खेलने के लिए तैयार, अन्ना जी सामना करेंगे परनीत आड़े के, गेंद का ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और अंपायर हेमंत बहुदेव बंसी का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन एक अतिरिक्त रन, परनीत आड़े इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से 8 से 10 कदमों का रन, आप अपनी बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों दौड़ते हुए आ रहे अन्ना जी के लिए, अन्ना जी उसको रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर से होती वापस परनीत आड़े का, परनीत आड़े इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से 8 से 10 कदमों का रन, आप अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार, गेंद फेंकेंगे अन्ना जी को, अन्ना जी खेलने के लिए तैयार, अन्ना जी निशान साहिरे उर्फ अन्ना जी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, अन्ना जी जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है सामना करेंगे परनीत आड़े की गेंद का, परनीत आड़े वहां चूक गए और वापस फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर आते हुए, हवाएं तेज चलती हुई, मौसम बहुत ही सुहाना, परनीत आड़े हल्का सा पुश किया वहां पर अन्ना जी ने गली की दिशा में, वहां पर पिंटू मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग पिंटू गावंडे की, एक रन लेने से नहीं रोक पाए, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन एक विकेट के नुकसान पर, बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर, परनीत आड़े इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को, प्रेम घोड़े जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है जो हमारे दीपक जोशी सर के सरपरस्ती में खेलते हैं, डेक्कन बॉयज की तरफ से बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर, और ये कैच हो सकता था, बैट ने बाहरी ऊपरी हिस्सा लिया था और गेंद हवा में भी उछली थी लेकिन विकेट कीपर के पीछे गिरी गेंद, कोशिश की थी विकेट कीपर ने लेकिन गेंद उनसे काफ़ी दूर गिरी वरना नुकसान हो सकता था, मैंने अभी तारीफ किया था प्रेम घोड़े की, बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है प्रेम घोड़े, गलती कर दी थी वहां पर प्रेम घोड़े ने, परनीत आड़े इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को, प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार, प्रेम घोड़े ने उसको खेल दिया वहां पर, इसको लेग की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और 2 रन लेने में कामयाब हो गए, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान पर, बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर, परनीत आड़े गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को, प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार, प्रेम घोड़े विकेटों को छोड़कर खेलना चाहते हैं, रिवर्स स्वीप खेला वहां पर
और ऑल आउट होने का खतरा, लेकिन सीधा थ्रो अगर विकेटों पे लगता तो नुकसान हो सकता था। भाग्य ने साथ दिया, वहां पर स्लिप में खड़े हुए फील्डर ने थ्रो किया लेकिन गेंद विकेटों पे नहीं लगी, वरना नुकसान हो सकता था। फिर से एक बार परनीत आड़े गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले खेलने के लिए तैयार, प्रेम गोले सामना करेंगे परनीत आड़े की गेंद का, उसको खेल दिया वहां पर कलाइयों से मोड़ा मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने में कामयाब हो गए। 11 रन स्कोर बढ़ता हुआ दो ओवर की समाप्ति पर 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, जो मात्र विकेट गिना वो गणेश का। गणेश मड़ावी कवर में खड़े हुए फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे थे। अब तीसरा ओवर लेकर देखना है कौन आता। शिवम अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर शुभम ग्यारह रन दो विकेटों के नुकसान पर, एक विकेट के नुकसान पर 11 रन। शुभम टोकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को। प्रेम गोले जो कि बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर प्लेयर है, ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आते हैं बीके एंड टी प्लेस की तरफ से। प्रेम गोले सामना करेंगे शुभम की गेंद का। शुभम आए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और उसको खेल दिया कवर ड्राइव और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन बहुत ही करारा छक्का वहां पर प्रेम गोले का, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर। कोई मौका नहीं वहां पर, कोई फील्डर नहीं था, पूरा फायदा उठाया और गेंद को खेल दिया बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, बहुत ही बेहतरीन स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। बीके एन टी प्लेस का मजमू स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी, शुभम की जैसी यॉर्कर लाइन की गेंद दिखी उसको खेल दिया ऊपर से, ऑफ साइड में गेंद थी कवर के ऊपर से उछाल के खेल दिया, बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट वहां पर प्रेम गोले का। शुभम इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे प्रेम गोले को, प्रेम गोले खेलने के लिए तैयार। प्रेम गोले बैठकर उछाल कर खेला वहां पर और फील्डर मौजूद और ये आउट, प्रेम गोले आउट। जल्दबाजी में काम कर गए प्रेम गोले, आर्यमंशी का बेहतरीन कैच जज किया, पीछे दौड़े बहुत ही बेहतरीन कैच और ये दूसरा झटका बीके एंड ट्रिपल एस को। जल्दबाजी में काम किया प्रेम गोले ने, पहले गेंद पे छक्का लगा दिया था, कोई जरूरत नहीं थी, इत्मीनान से खेलना चाहिए था। गेंदबाज शुभम ने चालाकी से गेंदबाजी फेंकी, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा, वहां पर बैठकर स्वीप करना चाहते थे, गेंद सीधी स्कोर लेकर अंपायर करने गई, वहां पर खड़े हुए थे आर्यमंशु और ये दूसरा झटका बीके एंड ट्रिपल एस को। प्रेम गोले के रूप में नए बल्लेबाज आकाश सोने, यौतमल की शान, यौतमल की जान, यौतमल की आन, सहारे और आकाश सोने दोनों अपने अपनी जगह माहिर, दोनों बल्लेबाज वहां पर टिके हुए। देखना है आकाश सुने अपने पारी में क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है आकाश सुने। शुभम गेंद फेंकेंगे निशान उर्फ अन्ना जी को, निशान साहिरे, हवाएं चलती हुई, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मौसम इस मोरखेड़े स्टेडियम के अंदर। शुभम गेंद फेंकेंगे साहिरे को, अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, अंपायर का इशारा वाइड, काफी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी थी, बीट हो गए थे वहां पर। शुभम गेंद फेंकेंगे साहिरे को, साहिरे खेलने के लिए तैयार, उसको उछाल कर खेला, बहुत ही करारा छक्का, बहुत ही बेहतरीन 6 रन। मैंने पहले कहा था कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है साहिरे, निशान साहिरे उर्फ अन्ना जी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। शुभम गेंद फेंकेंगे साहिरे को, निशान साहिरे खेलने के लिए तैयार, निशान साहिरे
अच्छी गेंद, नीची रही गेंद, प्लेट किया और एक रन के लिए दौड़ गए, एक रन लेने में कामयाबी पा लिए। इसे कहते हैं समझदारी का काम। पहले गेंद पे छक्का लगाया और दूसरे गेंद पे प्लेट कर एक रन ले लिया। बहुत ही समझदारी से खेलते हैं निशान सायरे। आप सामने खुकार बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज आकाश सोने, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है आकाश सोने। चुअम गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आ रहे अंपायर को पार किया आए। आकाश सोने ने उसको हल्का सा पुश करना चाहते थे, बीट हुए, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, अच्छी गेंद वहां पर, चकमा देने वाली गेंद थी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए शुभम इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आवे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को, आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने सामना करेंगे शुभम की गेंद का, शुभम उसको उछाल कर खेला, बहुत ही बेहतरीन। लाला जी वहां पर मौजूद, लेकिन लाला जी से कई दूर गेंद गिरी और गेंद बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बेहतरीन छक्का वहां पर। मैंने पहले कहा था ये दोनों बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं। यवतमाल के नामचीन कुखार बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोनों, निशान सायरे और आकाश सोने। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोनों, अपनी अपनी जगह बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन मैच यहां पर बीकेएन ट्रिपल एस और शिवराय के बीच। आर्यमन ठाकुर आर्यमन सिंह बैस उर्फ ठाकुर आर्यमन ठाकुर आर्यमन ठाकुर गेंद फेंकेंगे निशान सायरे को, निशान सायरे खेलने के लिए तैयार। निशान सायरे जो कि बहुत ही जाराना बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं, कहीं भी और किसी भी मैदान पर अपनी अपनी जगह माहिर है। आर्यमन गेंद फेंकेंगे निशान उर्फ सायरे को, रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास और वाइड गेंद फेंकी वहां पर आर्यमन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे सायरे को, सायरे खेलने के लिए तैयार और उसको खेल दिया वहां पर गली की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद पिंटू कावंडे, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने में कामयाब हो गए। बहुत ही अच्छी वहां पर फील्डिंग पिंटू कावंडे की, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजारा पिंटू कावंडे द्वारा। आर्यमन इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे खोकार बल्लेबाज आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने सामना करेंगे आर्यमन की गेंद का, हल्का सा पुश किया और बहुत ही बेहतरीन वहां पर सूझबूझ के साथ खेलते हुए आकाश सोने समझदारी से बल्लेबाजी की, हल्के बल्ले से डाला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को भेजा। हवा में रही थी लेकिन बहुत दूर थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए, डीप लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर बहुत दूर थे गेंद से, एक रन लेने में कामयाब हो गए आर्यमन इस ओवर में। अगली मर्तबा आप गेंद फेंकेंगे सायरे को, सायरे खेलने के लिए तैयार। सायरे जो कि बहुत ही रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर से होती पिंटू कावंडे से होती वापस आर्यमन के लिए, आर्यमन वापस अपनी बॉलिंग मार्ग पर। आर्यमन 15 से 20 कदमों का रन अप
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे सहारे को, सहारे खेलने के लिए तैयार, सहारे सामना करेंगे आर्यमन की गेंद का। और खेल दिया उसको वहां पर कवर की जानी, वहां गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर, जैसी गेंद को देखा बाहर निकल रही उसको खेल दिया कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद फील्डर को चकमा देकर चले गई, चार रनों के लिए, बहुत ही करारा शॉट था वहां पर, कोई मौका नहीं दिया वहां पर खड़े हुए फील्डर को। और गेंद बाउंड्री के बाहर आर्यमन इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे निशांत सायरे उर्फ अन्ना जी को, अन्ना जी खेलने के लिए तैयार, फिर रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास और ये आउट, आउट, ये तीसरा झटका बैट का भारी किनारा लगा था और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, और ये अन्ना जी आउट होकर वापस पवेलियन, बहुत ही अच्छे इंसान है अन्ना जी, कोई इंतजार नहीं किया अंपायर के इशारे का और खुद निकल कर वापस आ गए, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पोर्टशिप। अब उसके बाद में आ रहे हैं नए बल्लेबाज हमारे गुरु के सुपुत्र रोशन वरारकर, रोशन वरारकर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, ये भी इस बीके एंड ट्रिपल एस के अंदर बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। अड़तीस रन, नए बल्लेबाज रोशन वरारकर, आर्यमन इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद आवे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को, रोशन वरारकर जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, रोशन वरारकर आर्यमन जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए, आर्यमन इस ओवर में अगली मरतबा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को, रोशन वरारकर पटकी हुई गेंद उसको खेल दिया वहां पर, मिड विकेट की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने में कामयाब होकर रोशन वरारकर स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, तीन विकेटों के नुकसान पर, बहुत ही बेहतरीन वहां पर बल्लेबाजी करते हुए रोशन वरारकर। ओवर मुकम्मल हुआ, चार ओवर की समाप्ति पर 39 रन, तीन विकेटों के नुकसान पर बीके एंड ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 39 रन। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को, रोशन वरारकर घुमा के मारना चाहते थे, नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया, गेंद उनके पैड से टकराई और वहीं गिरी, जब तक विकेट कीपर गेंद को उठाते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वैभव भी से इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे रोशन वरारकर को, रोशन वरारकर खेलने के लिए तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, घुमा के मारना चाहते थे, नाकामयाब हो यार, अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, तीन विकेटों के नुकसान पर बीके एंड ट्रिपल एस का मजमू स्कोर। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे रोशन को, रोशन ने उछाल कर खेला, गेंद हवा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन, बहुत ही करा, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत खतरनाक बल्लेबाज है रोशन वरारकर। जब जब्बार भाई के गुरु के चिरंजीव हुए तो कितने खतरनाक बल्लेबाज होंगे आप अंदाज लगा सकते, जब्बार भाई पे से
कि वराड़कर सर हमारे गुरु थे, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स की दुनिया में जब्बार भाई को कदम रखने लगाया था। वैभव भिसे गेंद फेंकेंगे रोशन वराड़कर जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। रोशन वराड़कर सामना करेंगे हवाओं से बेल्स गिरती हुई, तो रोशन वराड़कर ने बेल्स उठाया, अंपायर कहने दे दिया कि ये झंझट ही दूर बार बार गिरने की। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे रोशन वराड़कर उसको फिर उछाल कर खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट और बहुत दूर 6 रन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है रोशन वराड़कर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रोशन वराड़कर की, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। वैभव भिसे गेंद फेंकेंगे रोशन वराड़कर को हल्के हल्के कदमों दौड़, 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और देखना है अभी निर्णय आना बाकी है रन आउट का। थर्ड अंपायर ने आउट हो गए वहां पर, 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रोशन वराड़कर रन आउट होकर वापस पवेलियन। रोशन वराड़कर आगे निकल कर आ गए थे और वैभव भिसे ने कोई गलती नहीं की, सीधा थ्रो वहां पर परनीताड़े के हाथ में फेंका, वहां पर परनीताड़े विकेट कीपिंग का काम करते हुए कोई गलती नहीं की विकेटों में बिखारने को। और ये चौथा झटका रोशन वराड़कर के रूप में, रोशन वराड़कर आउट होकर वापस, अरे कौन आया, नए बल्लेबाज भरत, 52 रन 52 नए बल्लेबाज भरत देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते। 4 खतरनाक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और 52 रन वैभव भिसे ईश्वर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत खेलने के लिए तैयार, भरत जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है हैदराबाद आवे रोड एंड से। वैभव भिसे गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत खेलने के लिए तैयार, भरत फुल टॉस गेंद उसको उछाल कर और क्या है वहां पर बैट का बाहरी किनारा लगा था, गेंद काफी देर हवा में रही थी। वहां पर परनीत आड़े गेंद के ऊपर लपके थे लेकिन गेंद उनसे पहले गिर गई और गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया वहां पर नॉन स्ट्राइक पर। भरत दौड़ते आ रहे थे लेकिन रन क्रीज में पहुंच गए थे, वहां पर भरत अपील की लेकिन अंपायर हमारे आशीष भाव टूटे ने नकारा और ओवर मुकम्मल हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर। अभी भी इस इनिंग की 18 गेंदे बाकी, देखना है क्या करते बीकेएन ट्रिपल एस के बल्लेबाज और वहां पर खड़े हुए खूंखार बल्लेबाज आकाश सोनी और साथ उनका पूरा निभाते हुए भरत जो के अच्छे बल्लेबाज है भरत भी। आर्यमन ईश्वर में अगली मरतबा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद पिकिंग भरत को, भरत ने उसको खेल दिया वहां पर कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 54 रन। आर्यमन ईश्वर में अगली मरतबा अब गेंद पिकिंग खूंखार बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज आकाश सोनी देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते। आकाश सोनी उछाल के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया, गेंद सीधी विकेट कीपर पर न हो परनीताड़े के पास, परनीताड़े जब तक गेंद को बिल्ड करते कलेक्ट किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। आर्यमन ईश्वर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे उसको खेल दिया वहां पर 1 रन के लिए
मिड ऑन पर खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, एक रन। आकाश सोने एक रन लेने में कामयाब हो गए। आर्यमन बैस ईश्वर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे आर्यमन की गेंद का, फुल टॉस गेंद और रिवर्स स्वीप, बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। आकाश सोने के साथ भरत भी बचते हुए, सूप तो बज रहे, जल्दी भी बज रही, बहुत ही खतरनाक शॉट वहां पर, रिवर्स स्वीप में मारा, बहुत ही बेहतरीन शॉट था वहां पर भरत का। जैसी फुल टॉस गेंद थी उसको रिवर्स स्वीप खेला, कवर और गली के बीच में खेल दिया वहां पर, चार छह रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही खतरनाक मुकाबला ये आज के सातवें दिन का पहला मुकाबला। टॉस शिवराय ने जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, हवा का पूरा फायदा उठाया वहां पर भरत ने। आकाश सुने जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार इंसान, कोई शर्माते नहीं गेंद देने में, ये करने में कोई तकब्बुर कोई घमंड नहीं उनमें, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। उसको खेल दिया वहां पर कवर के ऊपर से, वहां पर फील्डर मौजूद और ये आउट, भरत आउट, भरत आउट हो गए वहां पर। ये पांचवा झटका बीके एन ट्रिपल एस को भरत के रूप में, भरत आउट होकर वापस पवेलियन, उछाल के मारना चाहते थे कवर में खड़े हुए, डीप कवर में खड़े हुए फील्डर शुभम ठोकर, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया शुभम ठोकर का, ये दूसरा कैच। बहुत ही बेहतरीन फील्डर है शुभम ठोकर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। अरे यार संकेत आर्यमन ईश्वर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने अभी भी क्रीज पर डटे हुए, जब तक आकाश सोने डटे स्कोर कभी भी किसी भी वक्त बढ़ सकता। उसको खेल दिया, फिर खेला उछाल कर, लाला जी और लाला जी, लाला जी बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, पोस्टल ग्राउंड के सबसे बेहतरीन फील्डर लाला जी। कैच लेने में कोई गलती नहीं की और ये छठा झटका आकाश सोने के रूप में, आकाश सोने आउट होकर वापस पवेलियन। बहुत ही खतरनाक फील्डर है वहां पर लाला जी, कोई गलती नहीं की, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बाउंड्री के करीब वहां पर लपक लिया और ये आकाश सोने आउट होकर वापस। बहुत ही खुकार बल्लेबाज थे आकाश सोने और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की आकाश सोने ने, अपने टीम को बहुत दूर तक पहुंचा दिया। माइकल और हैट्रिक चांस पर वहां पर आर्यमन, हैट्रिक चांस पर आर्यमन और माइकल, आज जिनका आज पूरे 34 साल के हो गए और 35वां उनको ये जन्मदिन मुबारक हो। जब्बार भाई माइकल को 35वें जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, माइकल को, माइकल का आज जन्मदिन, 35वां जन्मदिन। माइकल आज जिनका जन्मदिन और ये जब्बार भाई उनको 35वें जन्मदिन की मुबारकबाद देता है। आर्यमन जो के आखिरी दो गेंदों में दो विकेट ली, वो हैट्रिक चांस पर है, अगला ओवर जब डालेंगे वो, अगर पहली गेंद पर विकेट लेते तो उनकी हैट्रिक होंगी। वैभव भिसे अब अपना ओवर लेकर, वैभव भिसे गेंद फेंकेंगे, क्या नाम है इसका, संकेत को, संकेत खेलने के लिए तैयार। संकेत उसको खेल दिया संकेत ने और ऑल आउट होने का खतरा और ये ओवर थ्रो हुआ, दो रन लेने में कामयाब हो गए। माइकल जितना शरीर मोटा लेकिन उतनी फुर्ताई उनमें, माइकल में बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त फील्डर है माइकल। वैभव भिसे गेंद फेंकेंगे संकेत को, संकेत खेलने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, आशीष बहुत टोटे अंपायर हमारे, वाइट बॉल का इशारा देते हुए एक रन बढ़ता हुआ। वैभव भिसे
संकेत को, संकेत खेलने के लिए तैयार। संकेत, संकेत घुमा के मारना चाहते थे, गेंद स्लिप और गली के बीच में गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करते। एक रन, माइकल दौड़ गए थे, माइकल जिनका आज 35वां जन्मदिन, 34 के पूरे हो गए, 35वें उम्र में कदम रखा माइकल ने। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे माइकल को, माइकल खेलने के लिए तैयार। माइकल सामना करेंगे वैभव भिसे की गेंद का, वैभव भिसे हैदराबाद आवे रोडन से राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद और अंपायर का इशारा, आशीष बहुटोटे का इशारा, वाइड, स्कोर में बढ़ोतरी 66 रन। और रिवर्स स्वीप खेला, ये उनका फेवरेट शॉट था, ये रिवर्स शॉट उनका फेवरेट शॉट था और खेल दिया था वहां पर गली में खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे संकेत को, नीची रही गेंद, पैड से टकराई, अच्छी गेंद थी और अंपायर आशीष बहुटोटे का इशारा, लेग बाइस, स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। वैभव भी से गेंद फेंकेंगे माइकल को, माइकल खेलने के लिए तैयार। माइकल ने उसको खेल दिया वहां पर कवर की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां से दौड़ कर गए शू जब तक गेंद को फील्ड करते। दो रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। वैभव भी से इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे माइकल को, माइकल खेलने के लिए तैयार। माइकल कदमों को आगे बढ़ाया, रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया, उनका फेवरेट शॉट है रिवर्स स्वीप, लेकिन नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया था। गेंद सीधी उनके पैड पर टकराई थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर मुकम्मल हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर 70 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 70 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर इस इनिंग की आखिरी ओवर। और गेंदबाजी परनीत आले, मैं आपको बता दूं आर्यमन, जिन्होंने आखिरी दो बॉल पर बाद के मैच में भी अगर वो पहली गेंद पर विकेट लेते हैं तो उनकी हैट्रिक मानी जाएगी। आर्यमन जिन्होंने दो गेंदों पर दो विकेट ली थी 5वें और 6ठे बॉल पर, और एक बॉल अभी बाकी है उनका, यानी अगले मैच में या अगले जब भी गेंदबाजी करेंगे अगर वो पहले बॉल पर विकेट लेते हैं तो उनकी हैट्रिक करार दी जाएंगी। परनीताले गेंद फेंकेंगे संकेत को, संकेत उछाल कर मारने का प्रयास और बोल्ड हो गए। ये 7वां झटका बीकेएन ट्रिपल एस को संकेत के रूप में, संकेत आउट होकर वापस पवेलियन 70 रन के निजी स्कोर पर, 70 रन के स्कोर पर ये 7वां झटका बीकेएन ट्रिपल एस को संकेत के रूप में, संकेत आउट होकर वापस। नए बल्लेबाज हेमंत देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते के क्रम की बल्लेबाजी पर आते हुए हेमंत। एक इनिंग हो जाती पूरी, बहुत ही अच्छी गेंदबाज वहां पर परनीत आले की, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है परनीत आले, कभी गेंदबाजी, कभी बल्लेबाजी, कभी विकेट कीपिंग, कभी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन हर चीज में कामयाब होते हुए परनीत आले इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे हेमंत को, हेमंत खेलने के लिए तैयार। हेमंत सामना करेंगे परनीत आले की गेंद का, परनीत आले सामना करेंगे, गेंद फेंकेंगे हेमंत को, हेमंत घुमा के मारना चाहते थे, नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया, डॉट बॉल खेलते हुए वहां पर। परनीत आले इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद आवे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे हेमंत को, हेमंत खेलने के लिए तैयार। हेमंत सामना करेंगे परनीत आले की गेंद का, परनीत आले घुमा के मारा गेंद हवा में और बहुत लंबा शॉट और 6 रन,
बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर हेमंत का, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए लाला जी से कई ऊपर गेंद गई और लाला जी ने प्रयास भी किया था। और साथ में उनके दूसरे फील्डर साहिल परनीताड़े गेंद पे की हेमंत को, हेमंत खेलने के लिए तैयार, फिर उछाल कर खेला और साहिल वहां पर मौजूद। साहिल की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ गया, रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट, हेमंत रन आउट। माइकल ने दौड़ कर आ गए थे माइकल और उनको मना किया हेमंत को, हेमंत पलटने में गिर गए और ये आठवां झटका हेमंत के रूप में, हेमंत आउट होकर वापस। अच्छी फील्डिंग वहां पर साहिल की, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए साहिल, 24 नंबर की टी शर्ट पहने हुए साहिल। साहिल तड़रेजा बहुत ही बेहतरीन फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की और उतना ही डायरेक्ट थ्रो सीधा परनीताड़े के हाथ में और वहां पर कोई गलती नहीं की परनीताड़े ने विकेटों को बिखारने में, क्योंकि हेमंत बहुत दूर रह गए थे, गिर गए थे हेमंत, माइकल ने उन्हें वापस किया था और ये आठवां झटका हेमंत के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हेमंत, जिन्होंने एक छक्का भी लगाया था परनीताड़े। इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे माइकल को, माइकल खेलने के लिए तैयार, माइकल सामना करेंगे, माइकल जिनका आज जन्मदिन, 35वां जन्मदिन, उसको खेल दिया वहां पर मिड ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद जब तक इनको फील्ड करते, एक रन लेने में कामयाब हो गए। नए बल्लेबाज नितिन गावंडे देखना है अपनी पारी के लिए क्या करते हैं नितिन गावंडे, बचे बाकी गेंदों में क्या करने में कामयाब होते नितिन गावंडे। अठहत्तर रन, 8 विकेटों के नुकसान पर परनीताड़े, उसको उछाल कर खेला गेंद हवा में और उसके नीचे बिल्डर और ये आउट, ये 9वां झटका गावंडे के रूप में, गावंडे आउट होकर ओवर 8 ओवर की समाप्ति। 79 रन, 80 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, 80 रन बनाने होंगे। उन्यासी रन मैच जीतने के लिए बनाने हैं शिव राय को। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की वहां पर बीकेएन ट्रिपल एस ने।
हेलो जब्बार, हेलो हेलो जब्बार सर, हमारे कमेंटेटर जहां कहीं भी है कमेंट बॉक्स में आए। उन्हें 80 रनों का टारगेट, ये मैच जीतने के लिए। शिवराय अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजे और बीकेएन ट्रिपल एस अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजे। शिवराय का तो आ गया, बीकेएन ट्रिपल एस का एक एक्स्ट्रा प्लेयर। पिंटू का वनडे, छोटे लाल बड़े लाल दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए। पिंटू का वनडे और गोपाल, और गेंदबाजी का भार संभालेंगे हमारे आकाश सुने, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। आकाश सुने जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, यवतमाल के नामचीन बल्ले ऑलराउंडरों में उनका नाम शुमार। आकाश सुने बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, जिन्होंने बल्लेबाजी में भी अभी बहुत अच्छा कारनामा कर दिखाया। आकाश सुने गेंद पे गेंद गोपाल को, गोपाल खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी वहां पर, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर आकाश सुने की। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, घुमा के मारना चाहते थे गोपाल, नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया। ये मैच जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत, 8 ओवर में 81 रन बनाने हैं। कोई धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच में बने रहना है तो। आकाश सुने गेंद फेंकेंगे गोपाल को, गोपाल उछाल कर खेला वहां पर गोपाल ने, और प्रेम घोड़े गेंद के ऊपर जाते हुए 2 रन और 1 रन रन आउट होने का खतरा, और रन आउट, और गोपाल रन आउट सीधा धुरो प्रेम घोड़े का आकाश सुने के पास। और आकाश सुने ने कोई गलती नहीं की विकेट बिखारने में, और ये पहला झटका शिवराय को गोपाल के रूप में। गोपाल रन आउट होकर दूसरा रन के लिए दौड़ गए थे, वहां पर आधे पिच में जाने के बाद पिंटू ने मना किया, वापस लौटने में देर हो गई, और ये विकेट वहां पर खड़े हुए आकाश सुने ने कोई गलती नहीं की विकेट बिखरने में, और ये पहला झटका शिवराय को गोपाल के रूप में। गोपाल आउट होकर वापस पवेलियन, नए बल्लेबाज वैभव भिसे। आकाश सुने गेंद फेंकेंगे पिंटू को, पिंटू खेलने के लिए तैयार। पिंटू आकाश सुने जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। आकाश सुने बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। आकाश सुने गेंद फेंकेंगे पिंटू कावंडे को, पिंटू कावंडे खेलने के लिए तैयार। पिंटू कावंडे सामना करेंगे
बोल्ड हो गए वहां पर, बोल्ड हो गए वहां पर पिंटू का वनडे, बोल्ड हो गए, उछाल के मारना चाहते थे, गेंद नीची रही, टप्पा खाई, अर्शीदी लेके स्टम उखाड़ ले गई, कोई चांस नहीं। ये दूसरा झटका शिवराय को पिंटू कावंडे के रूप में, पिंटू कावंडे आउट होकर वापस। पिंटू कावंडे बोल्ड होकर वापस पवेलियन, ये दूसरा झटका शिवराय को। अपना खाता भी नहीं खोला पिंटू गावंडे ने, और वापस पवेलियन उनका स्थान लेने जा रहे हैं लाला जी। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर लाला जी, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई शिवराय, दो गेंदों पर दो विकेट गिर चुकी है और पहले ही मौके पर, पहले ही ओवर जारी, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी वहां पर आका सोने की, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी करते हुए आका सोने बैटिंग में भी बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया आका सोने ने। आकाशुने ने खेल दिया गली की दिशा, आकाशुने की गेंद को खेल दिया लाला जी ने गली की दिशा में, स्कोर बढ़ता हुआ दो रन दो विकेटों के नुकसान पर, पहला ओवर जारी। आकाशुने इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद आवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे वैभव भिसे को, वैभव भिसे खेलने के लिए तैयार, वैभव भिसे सामना करेंगे आकाशुने की गेंद का। आकाशुने अपना स्पेल का पहला ओवर लेकर, अरी सिनिंग का भी पहला ओवर लेकर दो रन दो विकेटों के नुकसान पर, उसको उछाल कर खेला वहां पर वैभव भिसे ने, अर्गेन बाउंड्री के बाहर छह रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर वैभव भिसे का, छह रन स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन, बहुत ही बेहतरीन वहां पर बल्लेबाजी वैभव भिसे की। जैसी यॉर्कर लाइन की गेंद थी और पिच गेंद, उसको खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल कर गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन आकाशोने इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे वैभव भिसे को, वैभव भिसे खेलने में नाकामयाब हुए, चालाकी से गेंदबाजी करते हुए ओवर मुकम्मल हुआ, एक ओवर की समाप्ति पर आठ रन दो विकेटों के नुकसान पर शिवराय क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर आठ रन दो विकेटों के नुकसान पर, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट होकर वापस। अभी दूसरा ओवर लेकर देखना है कौन आता, शायद प्रेम गोले, सचिन भोयर जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, सचिन भोयर बहुत ही जज्बाती प्लेयर, बहुत ही सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे लाला जी को, लाला जी खेलने के लिए तैयार, लाला जी सामना करेंगे सचिन भोयर की गेंद का, सचिन भोयर उसको उछाल कर खेल दिया गेंद हवा में और सचिन भोयर उसके नीचे और ये आउट, लाला जी आउट, ये तीसरा झटका लाला जी के रूप में, लाला जी आउट होकर वापस। लाला जी पहली गेंद पर सचिन भोयर की गेंद को उछाल कर मारना चाहते थे, घूमती हुई गेंद थी, वहीं पर खड़ी हो गई, बराबर पल्ले पर नहीं आई और कोई गलती नहीं की वहां पर सचिन भोयर ने, आसान सा कैच किया और ये तीसरा विकेट लाला जी के रूप में, लाला जी आउट होकर वापस पवेलियन। हर्षद लाला जी
कौन है? शिवम ठोकर। नहीं बल्लेबाज शिवम ठोकर, शिवम ठोकर देख रहा है अपनी बल्लेबाजी में क्या काम करते हैं, कामयाब होते हैं शिवम ठोकर, जिन्होंने फील्डिंग तो बहुत बेहतरीन फील्डिंग की थी शिवम ठोकर ने। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे, वैभव भिसे को, वैभव भिसे अब सामना करेंगे सचिन बोयर की गेंद का। सचिन बोयर, सचिन बोयर अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही अच्छी गेंद थी सचिन बोयर की। वैभव भिसे को कोई मौका नहीं देते हुए सचिन बोयर, सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे वैभव भिसे को, वैभव भिसे खेलने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद उसको खेल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद जब तक कौन है, एक रन लेने में कामयाब हो गए शूट होकर। सामना करेंगे सचिन बोयर का, पटकी हुई गेंद उसको खेल दिया वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से और फाइन लेग के बीच में गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन, चार रन पटकी हुई गेंद थी वहां पर सचिन बोयर की, कोई गलती नहीं की उसको खेल दिया बाउंड्री के बाहर, चार रन बहुत ही बेहतरीन चार रन वहां पर। सचिन बोयर ऑफ स्टंप से काफी बाहर गए, अंपायर का इशारा वाइड, वाइड एक और अतिरिक्त रन, सचिन बोयर अच्छी गेंद उसको खेल दिया वहां पर गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद मिडफील्ड हुई वरारकर, रोशन वरारकर का अच्छा बैकअप और उतनी अच्छी फील्डिंग रोशन वरारकर की, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है रोशन वरारकर। सचिन बोयर बहुत ही जज्बाती प्लेयर और बहुत ही खतरनाक गेंदबाज सचिन बोयर, सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे वैभव भिसे को, मिस हुए वहां पर डेड बॉल, वापस बॉलिंग पर आते हुए सचिन बोयर, सचिन बोयर, सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे वैभव भिसे को, वैभव भिसे खेलने के लिए तैयार, वैभव भिसे सामना करेंगे सचिन बोयर की गेंद का। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद और थर्ड अंपायर का इशारा, आउट, आउट हो गए वहां पर वैभव भिसे,
दो ओवर की समाप्ति पर 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शिवराय क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर। प्रेम गोड़े कितने मारे शिवम शिवम टोकर का बेहतरीन 4 रन प्रेम घोड़े की गेंद पर। प्रेम गोले इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड एंटे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे चूट होकर खेलने के लिए तैयार। पटकी विकेट उसको खेल लिया वहां पर गणेश मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते गणेश उनकी उंगली में चोट आई हुई उंगली उनकी फ्रैक्चर हुआ है। गणेश मड़ावी जिनकी उंगली फ्रैक्चर है मैंने खुद देखा है उसको ड्रेसिंग करते हुए। प्रेम घोड़े इस ओवर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे आड़े को परनीत आड़े अच्छी गेंद नीची रही गई थी गेंद स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शिवराय क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर। तीसरा ओवर जारी प्रेम घोड़े इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद फेंकेंगे परनीत आड़े खेलने के लिए तैयार। उसको खेल दिया वहां पर बहुत ही अच्छी बिल्डिंग वहां पर बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन आप सामना करेंगे शूट होकर प्रेम घोड़े की गेंद का। प्रेम घोड़े जो कि काफी लंबा रन अप और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है प्रेम घोड़े। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शू ठोकर को अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद प्रेम घोड़े उसको खेल दिया सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते सचिन भोयर एक रन लेने में अच्छे फील्डर वहां पर सचिन भोयर बहुत ही जज्बाती और बहुत ही खतरनाक फील्डर है सचिन भोयर। 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर गेंदे बाकी और 57 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है।
कोई धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी शूट होकर, और परनीत आले को 30 गेंदों में 57 रन बनाने हैं। सचिन बोयर उसको खेल दिया वहां पर, इसका लेग की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा कर लिया और एक ही रन से संतोष। दो रन बन सकते थे लेकिन ठोकर और परनीत ने मुनासिब नहीं समझा दो रन पूरा करना। सचिन बोयर जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, बहुत ही जज्बाती प्लेयर, जिस भी टीम में रहे पूरे जज्बे के साथ खेलते हैं सचिन बोयर। सचिन बोयर ईश्वर में अगली मरतबा गेंद फेंकेंगे परनीत आड़े को, परनीत आड़े खेलने के लिए तैयार। परनीत आड़े सामना करेंगे सचिन बोयर की गेंद का, ऑफ स्टंप को बाहर जाती हुई गेंद थी, वहां पर खेल दिया रोशन वरारकर, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग रोशन वरारकर की, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग, गली में खड़े हुए रोशन वरारकर बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग का मुजाहरा करते हुए, बहुत अच्छे फील्डर है रोशन वरारकर। सचिन भोयर गेंद फेंकेंगे शू ठोकर को, शू ठोकर ने खेल दिया उसको सीधे बल्ले से, वहां पर फील्डर मौजूद प्रेम घोड़े, एक रन, अच्छी बिल्डिंग का मुजाहरा करते हुए प्रेम घोड़े, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए और आकाश सोने के पहले गेंद को लपक लिया, नहीं तो आकाश सोने वहां मौजूद थे। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे परनीत आले को, परनीत फुलटॉस गेंद उसको खेल दिया उछालकर उसके नीचे फील्डर, और ये क्या ड्रॉप, क्या छोड़ दिया वहां पर हेमंत ने, ये हेमंत के हाथ से क्या ड्रॉप हुआ। मिड विकेट पर खड़े हुए हेमंत, आसान सा कैच था परनीत का। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे शूट होकर को, शूट होकर खेलने के लिए तैयार, पटकी विकेट और ये बोल्ड हो गए वहां पर, बोल्ड हो गए वहां पर, ये पांचवा झटका शूट होकर के रूप में, समझ ही नहीं पाए, गेंद नीची रही, हवा में बल्ला घुमाया और गेंद ऑफ स्टंप उखाड़ ले गई, ये पांचवा झटका शिवराय क्रिकेट क्लब को, 26 रन के स्कोर पर ये पांचवा झटका शूट होकर के रूप में, शूट होकर बोल्ड होकर वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज साहिल, साहिल तरलेजा जो कि बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया था साहिल तरलेजा ने, अक्षय भाव खर्चे जहां भी हो बराय मेहरबानी हो कमेंटेटर बॉक्स कने आए। इसके बाद जो मुकाबला होगा लोखंडवाला वर्सेस आह्वान क्रिकेट क्लब के बीच, खेल दिया उसको सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की, लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर सबसे खतरनाक फील्डर आकाश सोने गेंद को फील्ड किया, एक रन लेने में कामयाब हो गए, अच्छी फील्डिंग करते हैं आकाश सोने, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है। चार ओवर की समाप्ति पर 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर
24 गेंदे बाकी और 52 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए, 24 गेंदों में 52 रन बनाने होंगे शिव राय क्रिकेट क्लब को ये मैच अगर जीतना है तो। और गेंदबाजी का भार संभाले हुए टीम के कप्तान गणेश मड़ावी, आज सामना करेंगे उनका गेंद का साहिल तरलेजा, साहिल तरलेजा से काफी उम्मीद है शिव राय क्रिकेट क्लब को। गणेश हैदराबाद आवे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट, उसको उछाल कर खेला और गेंद दोनों के बिल्कुल ऊपर से चार रन। बहुत ही बेहतरीन, मैंने पहले कहा था साहिल तरलेजा से काफी उम्मीदें, बहुत सी उम्मीदें हैं। गणेश इस ओवर में अगली मरतबा हैदराबाद हावी रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद पे गेंद साहिल को, साहिल उसको खेल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा कर लिया वहां पर। हेमंत जब तक गेंद को फील्ड करते शिवराय अगर ये मैच जीतता है तो हमारे इरफान भाई लोधा इनके तरफ से उन्हें यूकेन का टूर ओ बहुत ही अच्छी गेंद दी है और सचिन बोयर गेंद के ऊपर और उतनी अच्छी बिल्डिंग प्रेम गोले की जो हमारे दीपक जोशी सर के सरपरस्ती में खेलते हैं प्रेम गोले, और उनके वस्ताद को देखकर यहाँ पर प्रेम लड़खड़ाते हुए शिवराय। गणेश घुमा के मारना चाहते थे परनी दाड़े और ये छठा झटका परनी दाड़े के रूप में, परनी दाड़े आउट होकर वापस पवेलियन। शुक्रिया शोएब भाई अकबानी और हमारे भतीजे सोहेल। चौतीस रन 6 विकेटों के नुकसान पर 34 रन। नए बल्लेबाज कर्नल अमित राठौड़ जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है कर्नल राठौड़। गणेश बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए गणेश गेंद पे गेंगे कर्नल अमित राठौड़ को, खेल दिया उसको कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए सचिन बोयर की बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, मैंने पहले कहा था क्या बहुत ही जज्बाती प्लेयर है। उसको खेल दिया कवर और गली के बीच में, वहां पर फील्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने में कामयाब हो गए। 36 रन। पांच ओवर की समाप्ति पर 36 रन 6 विकेटों के नुकसान पर प्रेम गोले जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, 150 की स्पीड से गेंद फेंकते हैं
18 गेंदे 43 रनों की जरूरत, ये मैच जीतने के लिए प्रेम गोले 150 की स्पीड नापी गई उनकी। यहां गेंद फेंकेंगे साहिल को, साहिल तर ले जा, उछाल कर खेला प्रेम गोले की गेंद को, हवा में गेंद और दो फील्डर उसके, लेकिन दोनों तीनों के बीच में गेंद गिरी और दो रन के लिए दौड़ गए, दो रन लेने में। और उतना ही अच्छा बैकअप वहां पर रोशन वरारकर का, थ्रो किया था रोशन वरारकर, डटे हुए थे चट्टान की तरह, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग का मुजाहरा रोशन वरारकर द्वारा। प्रेम गोले बहुत ही तेज हवाएं चलती हुई और साहिल तनेजा उसको घुमा के मारना चाहते थे, रन लेना चाहते थे कर्नल अमित जादो, मना किया वहां पर साहिल तर ले जाने और वापस लौटे अपने घर में अमित राठौड़। प्रेम प्रेम अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ों के अंदर मारी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। साहिल ने रोका, उतनी तारीफ करनी होगी साहिल की, 150 की रफ्तार से गेंद और जड़ के अंदर और उसको भी रोका, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और उतनी बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर प्रेम गोड़े द्वारा। प्रेम गोड़े हैदराबाद आवेरोडन से राइट आर्म और द विकेट, गेंद फेंकेंगे अमित जादव को, अमित राठौड़ को, अमित राठौड़ खेलने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद उछाल के मारना चाहते थे, नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। अबे क्या गंजट, प्रेम प्रेम गोले, प्रेम गोले गेंद फेंकेंगे अमित राठौड़ को, हर और अंपायर का इशारा वाइड। मैं आपको बता दूं हर मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे सोनू भाऊ मेश्राम इनके तरफ से किया जाता है। हेलो फरा है, प्रेम घुमा के मारना चाहते थे, बोल्ड हो गए वहां पर, सातवां विकेट का पतन हुआ। अमित राठौड़ के रूप में अमित राठौड़ बोल्ड होकर वापस पवेलियन, आह्वान के कप्तान बराए मेहरबानी वो कमेंटेटर बॉक्स कने आया और अपना टॉस करा ले, क्योंकि हमारे लोकनवाला लायंस के कप्तान यहां पर मौजूद इरफान भाई जो उलूलू में कप्तानशिप कर चुके हैं और टॉस तो कभी नहीं हारे वो हुलुलू में। शुभम शुभम के लिए एक यहाँ पर सप्रेम भेंट, अगर शुभम लेग साइड में छक्का मारते हैं तो उन्हें यूक्रेन का 2 रात 3 दिन का पैकेज, नो बॉल
दो रात तीन दिन रहने का वहां पर मौका, राजधानी क्यू में रहने का उन्हें मौका, यूक्रेन के राजधानी क्यू में दो दिन तीन रातों का पैकेज, साहिल तरलेजा के लिए भी यही पैकेज, प्रेम गोड़े बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, दो रन फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन हवा इतनी चलती हुई कि लेग साइड मार बारह गेंदे बाकी और 35 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक हमारे अक्षय भाऊ खड़से इस मैच का टॉस लेते हुए लोकनवाला और आह्वान के बीच का टॉस लोकनवाला लॉन्च ने जीता, टॉस लोकनवाला लॉन्च ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, वाइट का इशारा अंपायर का, AK-47 व्हाइट बॉल व्हाइट बेटा इधर उधर जरा दिख रहे हैं। नए बल्लेबाज आरिफ भाई, आरिफ भाई जो कि बहुत ही खतरनाक हमारे यौतमल के नामचीन बेहतरीन इंसान गब्बर भाई उनके भांजे गणेश गेंद फेंकेंगे, आरिफ भाई को, आरिफ भाई खेलने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, फिर वाइड गेंद, 12 गेंदे 32 रन, 12 गेंदे उसको उछाल करके ला आरिफ भाई ने, और वहां पर मिस फील्डिंग सचिन बोयर से, कैच ड्रॉप हुआ सचिन बोयर की गेंद पर, सचिन बोयर ने कैच ड्रॉप किया गणेश की गेंद पर, यह आसान सा कैच था और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। 11 गेंदे बाकी, 29 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए, 11 गेंदे 29 रन, स्टाइल से कैच लेना चाहते थे सचिन बोयर, चूके गणेश ईश्वर में अगली मर्तबा, उसको खेल दिया उछाल कर, वहां पर फील्डर मौजूद और ये 4 रन आरिफ भाई का दूसरा चौका लगातार, 4 रन नौ गेंदे बाकी, 25 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, 9 गेंदों में 25 रन,
गणेश गेंद फेंकेंगे आरिफ भाई को, आरिफ भाई ने उसको खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर मौजूद कुखार ऑलराउंडर प्लेयर आकाश सोने जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन, आठ गेंदे बाकी, 24 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए, आठ गेंदे 24 रन। रिवर्स स्वीप खेल दिया रोशन वराड़कर गेंद के पीछे दौड़ते हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन, चार रन, सात गेंदे बाकी, 20 रनों की जरूरत, सात गेंदों में 20 रन ये मैच जीतने के लिए। सात गेंदे 20 रन, उसको खेल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद जब तक इनको फील्ड करते एक रन और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और दो रन लेने में कामयाब हो गए। छह गेंदे 18 रन, काफी रोमांचक मुकाबला, शिवराय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत से विकेटे, सात विकेटे गिर गई थी आरिफ भाई और साहिल ने पारी को संभाला, बहुत दूर तक मैच को लेके आ गया, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता। आकाश सोने उसको खेल दिया वहां पर मिड विकेट की जानी में, एक रन पूरा कर लिया और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और ये दो रन पूरे कर लिए, दो रन और तीसरे भी रन के लिए दौड़ गए और आरिफ भाई ऐसे दौड़ते आ रहे जैसे गार्डन में घूम रहे हैं और ये विकेट आउट हुआ दो रन लेकिन उनके खाते में आ गए साहिल के। आरिफ भाई भैया देख ले बरोबर है ना, और नहीं तो आपत आएंगी, तू बोलने लगा तेरा कुछ भी अंदर। पांच गेंदे 16 रन, आठ हो गया, नौ हो गए, नौ विकेट। आर्यमन नए बल्लेबाज, आखिरी बल्लेबाज आर्यमन, आकाश सोने गेंद फेंकेंगे साहिल को, उसको उछाल करके ला वहां पर गणेश, गणेश की फील्डिंग अच्छी और दूर, रन आउट होने का खतरा लेकिन वहां पर पहुंच गए, दो रन, दो, चार गेंदे 14 रन, चार गेंदे बाकी और 14 रनों की जरूरत। चार गेंदे 14 रन, उसको खेल दिया वहां पर मिड ऑन की दिशा में और एक रन, एक रन लेने में कामयाब हो गए। तीन गेंदे 13 रन ये मैच जीतने के लिए, तीन गेंदे 13 रन। आकाश सोने बहुत ही समझदारी से गेंदबाजी करते हैं, आकाश सोने गेंद फेंकेंगे, आर्यमन को ऑफ स्टंप से बाहर गए, अंपायर का इशारा वाइड,
तीन गेंदे बारह रन की जरूरत। काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ बीके एंटीपलस और चुराई के बीच। तीन गेंदे बाकी और 12 रन। उसको खेल दिया वहां पर और ये क्या ड्रॉप हुआ। दो गेंदे दस रन। लेग बाइस का इशारा। 1 गेंद 9 रन। उसको खेल दिया वहां पर सचिन भोयर और इसी के साथ बीके एंटीपलस ने यह मैच जीत लिया। 8 रनों से यह मैच जीत लिया। बीके एंटीपलस ने यह मैच 8 रनों से जीत लिया। इसके बाद जो मुकाबला होगा लोकनवाला वर्सेस अवान